आप देखना ही है, ये मेल्ट हुआ हुआ मेल हुआ हुआ सामान है। ये हमने सोने का वजन किया है, ये गोल्ड 22 कैरेट 69 ग्राम सोना कहलाएंगे ये। हमने सोना गला लिया है नाज़रीन, आप ये देखें। और अब ये एक ज्वेलरी को बनाने के लिए यूनिवर्सल चूड़ियाँ बनने के लिए जा रही है हमारे पास। और ये कारीगर कितनी एक मेहनत करता है, इसे मेरी तैयार करने जा रही है, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मराहल से गुजरने के बाद कस्टमर तक ज्वेलरी पहुँचती है। तमाम केमिकल्स के अंदर सोने को जो है वॉश किया गया है। अच्छा जी, अब आप ये देखें, हमने ये गोल्ड गला लिया है, ये एक जगह यकजान कर लिया, एक जगह पे हमने जो है वो 69.82 ग्राम जो है वो हमने इसके अंदर डाला था। देखें इसके अंदर 820 मिली गोल्ड गलाने के अंदर कम हो चुका है। अब लोग कहते हैं कि सुनार के पास सोना कम हो गया, अब ये सिर्फ हमने गोल्ड को भी पिघलाया है तो हमारे पास सोना इसके अंदर जो है वो कम हो गया। यही वेस्टेज होती है जो कि कस्टमर से ले जाता है। अच्छा नाज़रीन, इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मरहला है ये, जो कि एक कारीगर एक ज्वेलरी बनाने के लिए करता है। ये मशीन इंतहाई ख़तरनाक होती है, किया जा रहा है ताकि इसकी हार्डनेस को जो है वो ख़त्म किया जा सके। ये हार्ड हो गया है, बहुत टेंपर आ गया है इसके ऊपर। डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, वो जोड़ी हमारे नीचे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इंतहाई ये साइज लिया, बहुत मेहनत तलब काम है सर। आप लोग ज्वेलरी पहनते हैं और मशीन के अंदर जो काम हो रहा है इस वक्त, इंतहाई हसास काम है। हर दफ़ा इसका टेम्पर जो है वो उतारना पड़ता है ताकि सोने को नरम किया जा सके, क्योंकि हाई हार्डनेस आ जाती है, टेम्पर आ जाता है। यार ये तो साइज कट रहा है ये, और ये साइज जब कट जाएगा यार, उसके बाद हम आपको आगे की वीडियो दिखाएंगे। महारत से ये इसको जो है वो मोड़ रहे हैं। लेकिन अच्छा जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी जो ये चूड़ियाँ हैं ये यूनिवर्सल चूड़ियाँ बन रही हैं हमारी, और ये अब जो है वो झलाई की तरफ आ चुकी हैं। ये इनके जोड़ जो है वो अब झाले जा रहे हैं अभी। और ये देखें आप, ये देखें एक झल रही है, ये दूसरी झलाई पर लगाई जा रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये इसकी जलाई हो गई है। और ये अच्छा, ये
कहीं तेजाब के अंदर, ये तेजाब में आप देखें, ये इसको तेजाब में डाल दिया गया है। चूड़ी जो है हमारी अभी तेजाब में पड़ी हुई थी, इसको हमने तकरीबन वजन 15 मिनट के लिए जो है वो केमिकल्स के अंदर जो है वो डिप किया है, मुख्तलिफ कस्म के केमिकल्स में। ये आप देखें, ये हमने इसको डिप किया था। ये इसकी मशीन है एक गोल करने की, ये चूड़ी डाली और ये देखें, इसको गोल किया जा रहा है अभी इसको। ये देखें आप, ये देखेंगे गोल हो चुकी है। ठीक है, अब हम जाएंगे अगले। आप ये देखिए, ये जिसके ऊपर निशान है उन निशानात को खत्म किया जा रहा है, जोड़ के जो निशान है। ये देखिए निशान खत्म। ये देखिए गोल हो गई है। ओहो भाई, आपके नॉलेज तक नहीं पहुंच सकता मैं। हाँ माशाल्लाह, जीनियस आदमी हो आप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे पहले, मुझे पता है। ये क्या कर रहे हैं आप इसके ऊपर? अभी इसके ऊपर चटनी हो रही है, इसका कलर निकाला जा रहा है, इसका कलर निकाला जा रहा है। इसके ऊपर चटनी नाम की एक चीज़ हो रही है, देखें आप। केमिकल कोटिंग को कहलाती है ये, केमिकल कोटिंग होती है ये, और ये चटनी इससे इसका जो है कलर निकल कर आ जाएगा बिल्कुल, बहुत प्यारा सा कलर निकल कर आएगा गोल्ड का, ताकि इसके ऊपर पॉलिश अच्छी आए फिर। गोल्ड का ओरिजिनल कलर जो होता है वो आ जाता है, गोल्ड का ओरिजिनल कलर यानी कि जो है वो पूरा आ जाएगा इसके ऊपर। ये हमारी चूड़ियाँ जो हैं वो दूसरे केमिकल में गई हैं ये, और कुदरती स्टोन होता है केमिकल वाला, वो लगाया है इन्होंने इसके ऊपर। अब ये इसको इसकी सफाई कर रहे हैं, ये इसको पॉलिश की तरफ लेके जा रहे हैं ये। अच्छा, इसमें भी सोना कम होता होगा। अच्छा, इसमें अभी इन्होंने दूसरा कोई किताबे का है, दोनों पीतल के होते हैं। चूड़ी को अंदर से मान जाएगा, इसको बाहर से मान लेंगे। बाहर से मान लेंगे, ये आप चेक करें। ये अभी सुन हो रही है, अंदर से कितनी शाइनी है और बाहर से कितनी सुन है। हाँ, इसको मांच के दिखाता हूँ। ये हो गया, ये इसके बस पॉलिश आनी शुरू हो गई। देखें आप, यहाँ से चमक, यहाँ से चमक गई। आप ये देख सकते हैं आप कि ये आ गई है हमारे पास प्रोसेस होकर। देखिए ये अब ये एक नई मशीन के अंदर इसको डाला जा रहा है। ये देखिए डाला है इसके अंदर, अब इसके अंदर ये पॉलिश के लिए जा चुकी है ये। ड्रम पॉलिश हो गई है, ये ड्रम पॉलिश हो गई है इसके ऊपर। ठीक है जी, इसके ऊपर मैट फिनिश किया जा रहा है।
ये देखें, ये मैट होने के बाद इनकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये देखें, ये देखें, ये दो चूड़ियाँ जो हैं ये इस वक्त शाइन में, हम आपको दिखाते हैं कि ये वाली जो शाइन वाली चूड़ियाँ हैं इनको मैट फिनिश कैसे किया जाता है। ये देखें भाई, मैट फिनिश कैसे किया जा सकता है, ये अभी ये फुल शाइनी है। प्रोसेस पॉलिश का चल रहा है इसके ऊपर अभी, बफ पॉलिश, ये बफ पॉलिश कहलाती है ये। ये देखें, अंदर से शीशे की तरह चमकनी शुरू हो गई है, अंदर आ गए हैं। यहाँ पे इसकी धुलाई जा रही है, अभी धो रहे हैं इसको। ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, हर प्रोसेस पे इसका सोना जो है वो माइनस हो रहा है इसके अंदर से, वेस्टेज जा रही है ये। जितनी दफ़ा इसके ऊपर कोई मशीन पे काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर वेस्टेज हो रही है इसके ऊपर। जो वेस्टेज के हवाले से लोग परेशान होते हैं कि सोना कम हो जाता है, तो देखें उसकी बुनियादी वजह क्या है, ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें सोना कम क्यों होता है। सिलाई हुई है इसके अंदर अभी, और अभी बाकी भाई बाकी है इसके अंदर कुछ काम नहीं, इसमें अभी ये रोडियम होगा। ये आपको 5 से 5.5 लाख रुपए का अवेलेबल होता है, ये बहुत महंगा होता है ये। तो ये अब आपके सामने इसको यूज़ किया जा रहा है, ये देखिए ये गोल्डन से वाइट होना शुरू हो गया है। ये गोल्ड की चूड़ियाँ हैं, इसके ऊपर वाइट गोल्ड प्लेटिंग किया जा रहा है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इनकी इलेक्ट्रिकल प्लेटिंग होती है। ये देखें, ये भाई हमारा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा, इसमें ये खतरनाक प्रोसेस है इसके अंदर, ये करंट का काम कर रहे हैं ये हाथ में। देखें स्टैंप भी लगी हुई है अंदर इसके, और ये गोल्ड है पूरा, तो वाइट किया गया है। अब इसके ऊपर और काम करना इसके ऊपर एक दूसरी कटिंग हो रही है, देखिए तो कटिंग किस तरह से हो रही है। ये सोना उड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये देखेंगे सोना हम।